सभी को जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग हम पहले बोले थे कि भाई मेडिकल के ऊपर जो है प्रॉपर वीडियो आएगी और आपको फिजिकल का डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर वीडियो आपको दे चुके हैं, ठीक है। और मेडिकल के ऊपर भी जो नॉर्मल जानकारी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर की है, लेकिन हम आपको बोले थे, आपसे वादा किए थे कि जब आपका मेडिकल का डेट आ जाएगा, जो आपकी 23 सितंबर से आपका स्टार्ट है, तो मेडिकल के डेट आने से पहले यानी कि आपको 10 दिन पहले आपको जो प्रॉपर मेडिकल के जो आपका वहाँ चेक होता है, जो डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसका आपका जो है ओरिजिनल दिखाएंगे, आपको कौन कौन सा चेक होता है, कौन कौन सा आपको जो है माइनर प्रॉब्लम है, कौन कौन मेजर होता है और कितना तक आपको जो है एक्सेप्टेबल है। हालांकि इस मेडिकल को भी जो वीडियो आने वाली है उसका एक सीरीज है भाई, आपको एक वीडियो में तो पूरा 2 से 3 घंटा लग जाएगा और 2 से 3 घंटा आप ना देखेगा ना हम बना पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को हम 4 से 5 वीडियो में बांट दिए हैं, डिवाइड कर दिए हैं। तो उसमें पहला वीडियो आपका जो है इसमें आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है, यानी कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको जो है डॉक्टर जो है आपको मतलब क्या आपके साथ कॉपरेट करेंगे, यानी कि आपको जो है कितना आपको चलने लायक है। सर अगर सपोज कीजिए आपका जो कैरी एंगल है, तो कैरी एंगल में जो अगर आपको 15 डिग्री मांगता है, अगर आपको 18 डिग्री भी है तो चलने लायक है, ठीक है। जो नॉकनीज है उसका आपको जो 5 सेंटीमीटर से कम है तो चलने वाला है, ठीक है। लड़कियों का आपको जो 7 सेंटीमीटर तक है तो भी चल सकता है, ठीक है। तो इन सब मुद्दे पर बात करेंगे। दूसरा आपका जो है कौन कौन से जनरल चेक किया जाता है, आपको टॉप टू बॉटम पूरा बॉडी काम से बताएंगे आपको कौन कौन से पार्ट को चेक किया जाता है, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट में आप जो आपका जनरल जो चलने लायक है वो हम बताएंगे। पहला आपका जो है पल्स रेट, ठीक है। पल्स रेट यानी कि आप जो को हृदय की धड़कन बोल सकते हो, हार्ट रेट, ठीक है। पल्स रेट जो नॉर्मल रेंज होता है आपका जो है वो 60 से 100 पर मिनट होता है, लेकिन अगर आपका 110 तक है या और आपका 50 तक, सेम टू सेम आपका जो है बीपी की तरह होता है। ब्लड जो ब्लड प्रेशर है 120/80, अगर 80 से कम भी 70 है और 120 ऊपर यानी 130 भी है तो भी वहाँ पर जो है एक्सेप्टेबल है, चलने लायक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि जो नॉर्मल रेंज है वही है, ठीक है। नॉर्मल रेंज से 10 कम भी और प्लस माइनस 10 कर लीजिएगा, ये आपका पल्स रेट है। अगला आपका है कैरी एंगल, तो कैरी एंगल में आपका जो है 18 डिग्री तक चलने वाला है, ठीक है। यानी कि यहाँ सर जो है जो प्रकाल है स्केल है यहाँ आप लगाइएगा, अगर 18 डिग्री तक आ रहा है तो भाई आप चल सकता है, लेकिन जो नॉर्मल रेंज उसका है वो 10 डिग्री से लेकर 15 डिग्री तक, ये आप याद रखिएगा। अगला आपका वजन, आपका बहुत सारा कमेंट होता है भाई वजन मेरा नॉर्मल जो स्टैंडर्ड हार्ट वेट जो चार्ट होता है उसमें आपको 5 kg कम है, 10 kg कम है, अंडर वेट हो, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा 90 kg यानी कि 10 kg 15 kg ऊपर है, तो आप बताइए क्या मैं फिट होऊंगा या अनफिट होऊंगा। तो भाई आप याद रखिएगा वेट में आपको जो है प्लस माइनस 5 kg कर लीजिए, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड हाइट वेट चार्ट गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और प्लस माइनस 5 kg आप ऐड करिए, ठीक है। यानी कि 5 kg कम है तो भी चलेगा, 5 kg ऊपर है तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि आपको 5 kg नहीं, आपको 7 kg तक भी है तो चलने वाला, ठीक है। लेकिन 10 kg से ऊपर है, 10 kg से कम है तो भाई आपका मतलब कि पॉइंट मिलेगा। अगला आपका हाइट है, देखिए हाइट में जनरली आपका जो है रिलैक्सेशन मिलता नहीं है, हाँ अलग कैटेगरी है तो मिलेगा, हिल एरिया से तो मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट रीजन से तो आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल जैसे कि हम अभी जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जनरल डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी में, तो यहाँ आपका 0.5 सेंटीमीटर तक चल सकता है, वो डिपेंड करता है आपका डॉक्टर पर, ठीक है। दूसरा कोई नहीं कर सकता, या फिर जो हाइट आपको जो मेजर करेगा आपका फिजिकल में उसको उसके ऊपर निर्भर करता है, आपको जो है 0.5 तक मार्जिन दे सकता है, हालांकि उसका इंस्ट्रक्शन रहता है कि 0.5 तक चल है तो चलेगा। अगला आपका जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क, जो भी आप फॉर्म भरते वक्त आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क दिए हैं भाई उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जो दिए हैं वही आपका होगा रियल, ठीक है। अगला है एक दिन आपको जो है 20 कैंडिडेट का चेकअप होगा, उसके बाद आपको कह रहा है कि मेडिकल से एक दिन पहले आपको जो है फ्रेश रहना है, किसी भी तरह का कोई भी मतलब आपको गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपके शरीर से दुर्गंध जो है नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मेडिकल जो डॉक्टर होते जो डॉक्टर चेक करते वही आपके नजर में उसका जो गलत है ही बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखिएगा। अगला आपका जो है जब आपका प्राइवेट पार्ट चेक होगा तो जो डॉक्टर जैसे बोले जैसे करने के लिए बोले वैसे ही आपको करना है, किसी भी तरह कोई भी क्रेजी नहीं करना है, आप अपने मन से कुछ नहीं करना। अब हम बात करते हैं बात करने वाले आपको जो है जनरल क्या चेकअप होगा, ये तो आपका है कि कितना तक चलने वाला है और कैसे आपको करना है मेडिकल में, ठीक है। अब बात करने वाले आपको जो टॉप टू बॉटम क्या क्या चेकअप होगा ये आप ध्यान सुनिएगा। पहला आपको जो सुनने की शक्ति, देखिए कुछ लोग बोलते हैं मैं जो आई ईयर का जो ड्रम है वो फट चुका है, ठीक है, जो कान का जो पर्दा है वो फट चुका है। भैया आपका पर्दा फटा है या बेस है उससे उतना मैटर नहीं करता, सबसे मैटर करता क्या सुनने की शक्ति। जो डॉक्टर आपको हल्की आवाज में बोलेंगे, ठीक है, तो हल्की आवाज में जो बोलेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, तो वही आपको पता करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको केयरफुल रहना है। जब भी आपको डॉक्टर आगे वाले को चेक करे तो आपको सावधान रहने की जरूरत है, हो सकता है वो आपकी बारी आपका है, ठीक है। भैया पहला आप याद रखिएगा। दूसरी बात आपको जो है आई विजन स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी कि 6x6 आपकी आंख होना चाहिए। अगर नहीं है दोनों में से एक आंख 6x6 है तो चलेगा, दूसरा आपका 6x12 भी है तो भी चलेगा, ठीक है। सबसे पहली बात अगर दोनों आंख में दोनों खराब है तो प्रॉब्लम होगा, यानी कि दो आंख में कम से कम एक आंख जो है 6x6 होना चाहिए, ये आप कहोगे। दूसरी बात अगर आंख में जो आई होता है ये जो आपको जो दिख रहा है वो जो ब्लैक वाली पार्ट, अगर उसमें प्रॉब्लम है और आपका जो विजन है जो दृष्टि की जो क्षमता है अगर वो अच्छा है
चल जाएगा ठीक है, यानी कि एक कमी है लेकिन आपको देखने दिखने की जो पावर वॉच है अब चल जाएगा ठीक है, ये याद रखिएगा। अब उस दूसरी बात जो है ये ब्लैक वाली जो पार्ट है उसको आप मतलब कि गर्दन को सीधा रख के चारों तरफ घुमा लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं घूम रहा है तो प्रॉब्लम होगा, ये आप याद रखिएगा। अगला आपका है आवाज़, जो आवाज़ जो हम बोल रहे हैं उसमें आपको हकलाहट नहीं होना चाहिए, अगर हकलाहट है तो उसमें आप जो पढ़वाएंगे डॉक्टर से वहाँ पर देखना होगा, 4 से 5 सेंटेंस के बीच आपको थोड़ा बहुत हकलाहट है तो चलेगा, ये आप याद रखिएगा, अगर थोड़ा बहुत हकलाहट है चलेगा, अगर ज़्यादा है तो भाई प्रॉब्लम होगी। अगला आप कह रहे हैं कि आपका जो है प्रत्यक्ष और दृश्यमान ग्रंथि में सूजन, यानी कि डॉक्टर जो सामने से देखेंगे अगर उसमें आपको कोई बॉडी पे ऐसा कोई कट मार्क दिखा, कोई मतलब घाव वगैरह दिखा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यानी कि कहने का मेरा यही मतलब है कि पूरा बॉडी में दिखने योग्य ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होना चाहिए जहाँ से आपको मतलब कि कोई घाव का इन्फेक्शन हो या फिर कोई स्वेलिंग आ रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि दिखने ऐसा रहे आपको दिखे ना, ये होना चाहिए। अगर आपका जो है चेस्ट शुड बी वेल फॉर्म, यानी कि जो चेस्ट है आपको जो यहाँ जो चेस्ट है वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोगों को जो है आगे पीछे होता है। दूसरी बात चेस्ट जो है बीच में धंसा नहीं होना चाहिए या फिर चेस्ट बीच से उभरा नहीं होना चाहिए, ये आप याद रखिएगा, चेस्ट अप डाउन नहीं होना चाहिए, चेस्ट ज़्यादा उभरा नहीं होना चाहिए बीच का पार्ट, और बीच का पार्ट धंसा नहीं होना चाहिए, चेस्ट में यही मतलब काउंट होता है। अगला है हाथ और पाँव सही से विकसित हो, सही से विकसित करने का मतलब आपका कहीं हाथ कटा नहीं होना चाहिए, हड्डी उड्डी क्रैक नहीं होना चाहिए, यही और कुछ नहीं है ठीक है। दूसरी बात आपको जो 5 हाथ है 5 सोई उंगली है वो 5 का 6 नहीं होना चाहिए, 5 का 4 नहीं होना चाहिए, विकसित का मतलब यही, अगर इसमें कुछ है 4 है या 6 है या फिर कहीं कटा है या कहीं मुड़ा हुआ है तब आपका जो है फाइनल रिएक्शन होगा, रिएक्शन करने मतलब आपको पॉइंट मिलेगा ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं 2-3 पॉइंट और है, एक आपका बोन फ्रैक्चर जिसके बारे में हम अभी हम बात करेंगे, आपको जो हड्डी उड्डी कहीं टूटा नहीं होना चाहिए, ये मत सोचेगा कि मेरा जो है 10 साल पर जुटा है तो उसमें कैसे पड़ गए, आपका भाई एक्सरे होता है ठीक है, अगर डॉक्टर की नज़र में आ गया तो ठीक है, आ गया तो पक्का पॉइंट मिलेगा, नहीं है तो ठीक है ठीक है। अगला बात करने वाले फ्री एंड परफेक्ट मूवमेंट ऑफ ऑल ज्वाइंट, यानी कि जो भी आपका मूवमेंट होती है आपका शोल्डर का, आपको कोहनी का, पैर का, कहीं का भी जो ज्वाइंट्स होती है वो आपका फ्रीली होना चाहिए ठीक है, कहीं से आप कोई भी प्रकार का जैसे कि अगर ये है तो मूवमेंट अच्छी तरह से होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तब आपको जो है पॉइंट मिलेगा, वहाँ आपको सब जो है करवा कर दिखाएंगे। आगे जो आपका है हाथ पैर की उंगली सही होने, ये हम पहले बोले कि आपका जो उंगली कहीं भी कटा छटा टूटा या नहीं होना चाहिए, और आपका 5 का 6 यानी एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। आगे जो है पुराने बीमारी का कोई अगर निशान है, कहीं कटा है पूरा मतलब ज़्यादातर है, तो पुराने बीमारी का ज़्यादा निशान नहीं होना चाहिए, हल्का पल्का निशान है तो चलेगा। आगे हम बात करने वाले हैं कि दांतों की स्थिति सही होनी चाहिए, अगर दांत आगे पीछे है जिस सामने दांत है आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ऊपर है तो उसके जस्ट नीचे होना चाहिए, यानी कि जो दांत होता है वो ऊपर का नीचे एकदम सेम, ऐसा नहीं कि आगे पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात अगर दांत कोई सड़ा हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 14 नंबर होना चाहिए, ये 14 नंबर कैसे आया या फिर नंबर कुछ है काउंट कैसे किया जाता है इसके बारे में आप कहिएगा तो हम प्रॉपर वीडियो बना देगा ठीक है, ऐसा टेंशन नहीं लीजिएगा। तो दांत को कैसे नंबर काउंट किया जाता है, टोटल जो आपका 22 पॉइंट मिलता है आपको 14 पॉइंट ला देना है कैसे करके, अगर आ जाता है तो ठीक है, ये पॉइंट कैसे काउंट होता है अगर आप कमेंट कीजिएगा तो आपको इसके ऊपर हम जो प्रॉपर वीडियो बना देंगे। आगे हम कह रहा है कि लड़कियों का चेस्ट और पुरुषों के जो प्राय पार्ट होता है, तो लड़कियों में जो मेनली होता है वो चेस्ट में किसी प्रकार का ब्रेस्ट कैंसर नहीं होना चाहिए, अगर कैंसर है या ब्रेस्ट में कोई सूजन है तो उसमें आपको जो है पॉइंट मिलेगा। और लड़कों में जो प्राइवेट पार्ट का जो अंडकोश होता है यानी कि जो आपका टेस्टिस होता है वो आपका बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, दोनों का साइज जो है बराबर होना चाहिए। दूसरी बात अगर आपने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाया है तो भाई वहाँ पर मतलब कि आपको जो है पॉइंट मिलेगा, लेकिन अगर आपने हाइड्रोसिल का ऑपरेशन जो है 6 महीना पहले करवाया है और उसका दोनों साइज जो है बराबर हो गया है तब आप जो है एक्सेप्टेबल यानी कि आपको वहाँ चलने लगे। और लास्ट में जो आपका होता है वो आपका बवासीर होता है ठीक है, बवासीर लड़का और लड़की सबका जो है एक समान चेकअप होता है, तो बवासीर में आपको जो है अगर प्रॉब्लम है तो भाई टेंशन मत लीजिए, आपका जो है फाइनल मतलब कि रिएक्शन होने वाला है ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि बवासीर का इलाज है तो आप बाकी आपको 20 से 25 दिन में संभव नहीं है ठीक है, तो ये आपको हो गया। एक और इम्पोर्टेंट जो आपको सपोज कीजिए आपका ठंडी का मौसम आने वाला है, अगर बुखार लग गया है सर्दी हो गया तो भाई इसमें आपको पॉइंट मिलेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है, बुखार लगा सर्दी हो क्योंकि वो 10 दिन पहले हुआ ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा डॉक्टर से बात आइएगा, मेडिकल का एक छोटा सा रिपोर्ट बनवा लीजिए कि भैया हमें बुखार लगा सर्दी वजह से मौसम की वजह से ठीक है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होना। तो ये रही आपका आज का वीडियो, बाकी आपको 2 से 3 दिन की वजह 2 से 3 वीडियो आपकी और आने वाली है। ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।